मैं आपको बताता हूं कि क्यों फेल हुआ। यह फेल इसलिए हुआ क्योंकि जेट एयरलाइंस ने कंपेटिटिव एडवांटेजेस के बारे में नहीं सोचा, बैठ के प्लानिंग नहीं करी, कई बार सोते रहे। और माइकल पॉटर साहब का यह थ्योरी, माइकल पॉटर फाइव होर्सेस वॉज द इज द बेस्ट 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 सुटेड इन द जेट एयरलाइंस फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन एंड द क्राइसिस एंड ग्राउंडिंग एंड शटिंग डाउन। माइकल पॉटर फाइव फोर्सेस के लिए आप देखते हैं पांच फोर्सेस हैं, राइवल, न्यू एंट्रेंट, कस्टमर, सब्स्टिट्यूट एंड द सप्लायर्स। लेट मी टेल यू, इन दिस पैराडाइम ऑफ माइकल पॉटर फाइव फोर्सेस, फेलियर ऑफ जेट एयरलाइंस अ परफेक्ट केस स्टडीज बेस्ड ऑन माइकल पॉटर फाइव फोर्सेस। लेट मी टेल यू, एयरलाइन इज अ सेक्सी इंडस्ट्री, वेरी सेक्सी इंडस्ट्री। सेक्सी बोले तो सेक्सी मीन्स एनीबडी हु फॉल्स इन लव, दे आर मेंटली रेडी फॉर बेयरिंग द पेन बट स्टिल दे फॉल। वो पतिंगा है ना, उसको पता है कि दीपक पे जाने के बाद मृत्यु है, लेकिन फिर भी जाता है। एयरलाइन इज द सेम, इज अ सेक्सी इंडस्ट्री in if you terms of the profitability, very few airlines are in profit, very few. Most of the airlines are bleeding, is absolutely bleeding. Log kehte hain sahab ki flight book hoti hain, full hoti hain, jagah nahi milta, fir bhi company loss mein kyun jati hai? Kabhi aap operating cost padh ke dekho sahab, 4 rupya per kilometer per passenger ke rate pe aap gaadi chalate ho, hawai jahaz chala rahe ho, just because आपके पास कट थ्रोट कंपटीशन है। जेट एयरलाइन फुल सर्विस करियर होने के बावजूद भी बजट एयरलाइंस इंडिगो से कंपीट कर रही है, क्यों भैया, व्हाई? सो एयरलाइन इज अ सेक्सी इंडस्ट्री, पीपल गेट टेम्प्टेड। ओ कहता हूं ना, टेम्प्टेशन हो जाता है यार। कई लोग बोलते हैं क्या करे साहब, फॉल हो गए, स्लीप कर गए। एयरलाइन भी ऐसा ही है। सो इट्स अ सेक्सी इंडस्ट्री। Now, in this terms, आपने जो डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू एंट्रेंट का। न्यू एंट्रेंट से आप देखेंगे कि कौन सा कंपेटिटर नया आया और क्या प्रभाव छोड़ के गया और मेरी रणनीति क्या हुई। ध्यान से, न्यू एंट्रेंट से आने वाले थ्रेट को जेट एयरलाइंस ने समझा ही नहीं, रादर समझने की कोशिश ही नहीं किया, एफर्ट ही नहीं किया। व्हेन किंग फिशर एंटर्ड इनटू द मार्केट विद अ सुपीरियर सर्विस एंड दैट टू एट द लो कॉस्ट, जेट को अपनी स्पेस खोती हुई नजर आई, कंफ्यूजन आया, लेकिन उसके बावजूद भी जेट इस बात में टिका रहा कि मेरी सर्विस प्रीमियम है और लोग महंगे प्राइस पे मेरे एयरबस में ट्रैवल करेंगे। सच्चाई ऐसी नहीं थी। न्यू एंट्रेंट के आने के बाद कदम को संभालना जरूरी था। उसके बाद दूसरा चोट दिया एयर डेकन ने बाय ड्रॉपिंग द प्राइस, बट अगेन जेट मेड नो एफर्ट टू रीस्ट्रक्चर कॉस्ट एंड रिड्यूस फेयर्स। न्यू एंट्रेंट को समझा ही नहीं जेट एयरलाइंस ने। जेट एयरलाइंस कंटिन्यू टू बिलीव दैट दे हैड अ बेटर प्रोडक्ट दैट पीपल वुड पे अ प्रीमियम फॉर दिस, विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यह था पहला कारण, डिजास्टर ऑफ द जेट एयरलाइंस, कि जेट एयरलाइंस ने सही वक्त पे कंपेटिटिव फोर्स को स्टडी नहीं किया और उसके लिए एक्शन प्लान नहीं बनाया। अब आता है हमारे पास सेकेंड फोर्स ऑफ पॉटर फाइव फोर्सेस, राइवल। जेट एयरवेज नेवर पेड अटेंशन टू अंडरस्टैंड मूव ऑफ राइवल। इंडिगो मार्केट शेयर वेंट फ्रॉम 27.7% in 2014 to 43.2% in the September 2018, while jet slid down
came down 19.9% to 14.2% in the same period. जेट एयरवेज ने अपने राइवल को समझा ही नहीं कि उसका दुश्मन कौन है. जेट एयरवेज कंफ्यूज्ड कि उसका कंपेटिटर विस्तारा है या इंडिगो है, विस्तारा है या स्पाइसजेट है, विस्तारा है या इंडिगो है. कंफ्यूज्ड, वो फुल सर्विस कैरियर है एंड बजट कैरियर है. द कंफ्यूज्ड मैन, कंफ्यूज्ड. आई वॉज द फ्रीक्वेंट फ्लायर ऑफ जेट एयरलाइंस. मैं तो खुद चाहता हूं कि किसी तरह से जेट एयरलाइन सर्वाइव कर जाए. मेरे पास जेपी माइल्स है एंड जेट एयरलाइन वॉज माई फर्स्ट चॉइस. मेरे ऑफिस से जब मेल जाता था तो सबसे पहले हम देखते थे कि जेट एयरलाइंस का फ्लाइट उस पर अवेलेबल है या नहीं है. व्हाट अमेजिंग सर्विस, बट देयर वाज अ कंफ्यूजन. तब मैं बोलता था कि जेट एयरलाइंस का स्ट्रैटेजिस्ट लोग क्या कर रहे हैं. I was flying from Delhi to Chennai for JK Tire, and trust me, in entire flight there were 10 people, in which me and my assistants were two. I asked air hostess, why it's so empty? Itna khali kyun hai? And then she was saying, shayad Diwali ka next day hai, isliye hoga. No boss, you have to understand your rival, you have to understand your competitor, you know how, you have to know this. If you don't understand, you can't run business, man, you can't run business. Being a strategist, I do understand that business analysis, competition analysis has to be done in a proper way and proper corrective action has to be taken. If you don't take, you can't survive. I'll tell you, even when Kingfisher was shut down, Kingfisher operation was shut down in 2012. Jet made no major attempt to fill the vacuum. Kingfisher jaisa brand ke baad band hone ke baad, jiski ab dekhenge to maximum jo Kingfisher ke jo traveler the, jo passenger the, wo aasani se full courier service mein, फुल सर्विस वाले प्रोवाइड करने वाले में शिफ्ट करते, बट ऐसा नहीं हुआ. मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट वॉज स्नैच्ड बाय इंडिगो. इंडिगो सॉ द अपॉर्चुनिटी एंड रिप रिवॉर्ड. इट्स अ बिट. इतना ही नहीं, जेट एयरलाइंस इंटरनेशनल मार्केट में अपने स्पेस बनाने के लिए काफी आगे बढ़ा. सरकार से रूल्स एंड रेगुलेशन में संशोधन करने की बात करी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, और जब दरवाजा ओपन हुआ तो उस फायदे को भुनाने के लिए कौन खड़ा था? इंडिगो. अल्टीमेटली जब जेट एयरलाइंस इंटरनेशनल वर्ल्ड पे काम करने की कोशिश कर रहा था, उसने डोमेस्टिक में इंडिगो को अपने विंग फैलाने का मौका दिया और इंडिगो बिकेम द टफेस्ट कंपेटिटर ऑफ जेट एयरलाइंस. एंड जेट एयरलाइंस स्टार्टेड फाइटिंग विद इंडिगो बाय स्लाइसिंग डाउन द प्राइस. दैट मीन्स यू आर फाइटिंग विद द बजट एयरलाइंस. एंड यू नो व्हाट इज द पॉइंट, इन बजट एयरलाइंस द रेट्स आर लेस, लैंडिंग कॉस्ट लेट कम है इन टर्म्स ऑफ द फुल सर्विस, फ्यूएल कॉस्ट भी सेम है. ATF, यू आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द एयरलाइन टर्बाइन फ्यूएल ATF, उसका भी रेट कम है इन टर्म्स ऑफ बजट एयरलाइंस. That means you are fighting with the people whose operating cost is much lesser than you, and you are coming down in the price, man. You have to understand your rival very well. Who is your rival? Who is your competitor? Whom are you fighting with? Ab, jab sari kahani shuru ho gayi, the whole thing was there. Ab, jab Jet Airways competition ke aar mein marne ke liye tayar hai, rasta aur dubhar hoga. Up to other domestic carriers have already accelerated their aircraft induction plans and are now adding 150 planes to their fleet collectively, up from 80 planes proposed earlier. SpiceJet, Indigo, AirAsia, Vistara, Indian Airlines have already announced new flight from the Mumbai to Delhi starting from the May, even though Government of India is giving the space at the premium time for Indigo, for Jet Airlines to make them survive. But who knows what is going to happen. So ye tha second force that was a rival. Let's go on the third one, supplier.
सप्लायर इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को, सप्लायर प्रेशर करता है अपने बार्गेनिंग पावर का, सप्लायर आर्म ट्विस्ट करता है, हाथ मोड़ देता है अगर आपका वक्त खराब हो तो। माइकल पॉटर साहब कहते हैं कि वो सप्लायर हैज द सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर ऑन यू एंड कैन इन्फ्लुएंस योर बिजनेस वेरी वेल। ये कैसे इन्फ्लुएंस किया इस दर्द भरी दास्तान को देखिएगा। Suppliers create a lot of pressure on bargaining power, especially when number of suppliers are limited. Supplier of ATF, that is aviation turbine fuels, are limited. These are like IOCL, BPCL, HPCL, and new entrant Reliance. ये भाई साहब हर जगह पहुंचे हुए हैं। IPL को भी नहीं छोड़ा। मैं तो सोचता हूँ नीता अंबानी जी कौन सी प्रेयर करती हैं कि भगवान कभी ना नहीं कहता है। मैंने अभी देखा था आईपीएल में लास्ट बॉल में 2 रन चाहिए था, वो भी नहीं हुआ और कैमरा 2 ही जगह फोकस था, बॉलर पे एंड नीता अंबानी के प्रेयर पे। काश मुझे वो प्रेयर को ही बना दे, मैं एनी टाइम क्लास में बहुत बड़ा बिजनेस करके खड़ा करके मरना चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इस केस में देखिए सप्लायर ने क्या किया। ऑन 5th April 2019 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन स्टॉप्ड सप्लाइंग फ्यूल टू द एयरलाइंस साइटिंग नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। सप्लाई बंद और मुश्किल से 3-4 है, ज्यादा तो है नहीं। तो नेचुरली क्या हुआ, इनकी अपनी कार्टेल है। ये पीएसयू है मैक्सिमम, बट कार्टेल है, नहीं दिया, बंद फ्यूल, बंद सारी हवाई जहाज एयरपोर्ट पे। वर्स्ट लेसर्स जिन्होंने बोइंग 777 लॉन्ग हॉल पे दिया था, उन लोगों ने लीज एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। सप्लायर ऑफ Boeing 777 cancelled. That's the power of supplier, boss. That's the bargaining power of the supplier. Itna nahi, isse bhi bura. 10th April 2019 Amsterdam Airport pe Jet Airways ke flight ko seize kar liya, kabja kar liya wahan ke यूरोपियन कार्गो सर्विस वालों ने, चूंकि उनको उनका ड्यूज नहीं मिला था एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे। इट्स अ पेन हाउ नरेश गोयल वाज सर्वाइविंग, प्रोबेबली ही नोज, बट यस सही रणनीति बनाना उनके कर्तव्य के अंदर था। उनके सीईओस और सभी को ये समझना जरूरी था। नरेश गोयल साहब को ये बात अपने सीईओ मिस्टर दुबे को अच्छी तरह से समझानी थी कि बॉस दिस इज योर जॉब, दिस इज नॉट माय जॉब। सी नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सप्लायर एज पर द माइकल पॉटर 5 फोर्सेस। पॉटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस प्रोसेस। तो आपने 3 फोर्सेस देखा, अब आपको फोर्स देखना है कस्टमर का। यस कस्टमर क्रिएट प्रेशर ऑन द कंपनी एस्पेशली व्हेन कस्टमर्स आर लिमिटेड एंड इन इंडिया फ्रीक्वेंट फ्लायर्स आर लिमिटेड एंड दे स्टार्टेड बार्गेनिंग विद एयरलाइंस इन टर्म्स ऑफ द बजट एयरलाइंस इन कंपैरिजन टू स्पाइसजेट इन कंपैरिजन टू इंडिगो इन कंपैरिजन टू गो एयरवेज। ये फुल सर्विस करियर्स का आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और दुर्भाग्य की बात देखिए, जेट एयरलाइंस इवन दो बीइंग अ फुल करियर सर्विसेज स्टार्टेड कंपीटिंग विद द बजट एयरलाइंस बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द कस्टमर। आपको पता होगा कि इवन फ्यूल कॉस्ट में डिफरेंस होता है इन बिटवीन बजट एयरलाइंस एंड फुल सर्विस करियर।
मेरे को अब तक समझ में नहीं आया, हाउ कैन यू रिड्यूस प्राइस व्हेन यू आर पेइंग मोर, यू आर कॉस्टिंग मोर, योर ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मोर. अरे बजट एयरलाइन डिक्लेयर कर दो अपने आप को, यू विल गेट द बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑल्सो ना. बट नो, I will be the full service courier, but I will compete with my people, my competitor who were in the budget airlines. Seriously, what CEO Mr. Dubey was doing is beyond my understanding. Being me as a professor of strategic management, I don't understand how they took a decision from this. Next is a substitute. Yes. क्या सब्स्टिट्यूट है? यस, देयर आर अ ग्रेट थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट इन फ्लाइंग इन एविएशन बिजनेस. आज बहुत थ्रेट है. थ्रेट नंबर वन क्या है? हाई स्पीड ट्रेन है, स्पेशली बॉम्बे टू गोवा. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो लेजर के लिए जाते हैं, फैमिली के लिए जाते हैं, उनको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सुबह 6 बजे तेजस पकड़ने का है, 3-4 बजे तक हम चेक इन कर लेंगे अपने होटल में. अरे फैमिली के साथ जाने, ट्रेन में आराम से मस्ती करते हुए जाएंगे, व्यू देखते हुए जाएंगे, एंड दैट्स अ सब्स्टिट्यूट. एंड ऑफ कोर्स इट हैड इंपैक्टेड एंड इट विल इंपैक्ट इन द फ्यूचर टू. अभी आप देखिएगा सूरत अहमदाबाद वाले रोड पे, जैसे ही बुलेट स्पीड ट्रेनें चलेंगे, आप एविएशन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है. अगर 3 घंटा में आप सूरत से मुंबई बाय ट्रेन जा रहे हो, तो 2 घंटा पहले 1 घंटा बाद में भी, बिकॉज आजकल टैक्सिंग में फ्लाइट के इतने टाइम लग जाते हैं, हु विल स्पेंड टाइम मैन. सो द थ्रेट वॉज कमिंग फ्रॉम दिस ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन. एंड अगेन द अनदर थ्रेट वॉज कमिंग वेरी गुड रोडवेज इन इंडिया. आज रोडवे उठा के देखो, इतने अच्छे रोड बन गए हैं कि दोज हु लव ड्राइविंग इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय फ्लाइट दे लव टू ड्राइव देयर कार. मैन यूज मैं दिल्ली टू चंडीगढ़ कभी भी जाता हूँ, आई नेवर प्रेफर फ्लाइट. दिल्ली टू जयपुर आई नेवर प्रेफर फ्लाइट. व्हाई? बिकॉज आई लव ड्राइविंग. आई ड्राइव माई कार, आई ड्राइव माई मर्क, आई ड्राइव एंड टेक अवे एंड लाइक दिस, आई एंजॉय दैट. फ्लाइट इज अ लास्ट चॉइस. So the airlines have the threat from high-speed train, from roadways, and so many things. ये बात समझना बहुत ज़रूरी था jet airlines के लिए, and jet airlines suffered a lot from this. So these are the great threat from this, and this is the things happens. तो आपने देखा कि जेट एयरलाइंस ने नहीं समझा माइकल पॉटर 5 फोर्सेस के कंपेटिटिव थियरी को. नतीजा ये हुआ डिजास्टर, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सो मेनी थिंग्स प्रॉब्लम. अब हम देखते हैं इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सस्पेंशन ऑफ द सर्विसेज, और हम इनके रिवाइवल की बात भी हम करेंगे. जस्ट कंपनी ने ऑल फोर्सेस ऑफ कंपटीशन को नहीं समझा और समझने की कोशिश नहीं किया. जेट एयरवेज को सस्पेंड करना पड़ा ऑल फ्लाइट को. यस, एज ऑफ नवंबर 2018 जेट एयरलाइंस हैज बीन रिपोर्टेड टू हैव अ नेगेटिव फाइनेंशियल. नहीं समझा, नेगेटिव फाइनेंशियल आउटलुक ड्यू टू इंक्रीजिंग लॉसेस. इन मार्च 2019 इट वाज रिपोर्टेड दैट nearly a fourth of the jet airlines aircraft were grounded due to the unpaid lease rates. On 25th March 2019, Mr. Naresh Goel and his wife Anita Goel stepped down from the board of directors. On 12th April 2019, Jet Airlines announced the suspension of all Eastern India bound and all international flight due to lack of availability of the aircraft. As on 13th April 2019, the airline is operating less than 10 planes, down from 123 in December 2018. As of 17th April 2019, Jet Airline has to suspend all flight operation. I understand very well, because very same day I was doing my strategic motivational program for Reliance at the Chhatrapur. And in Ocean Pearl, and my daughter was supposed to fly from Chennai to
Delhi, and I just got some problem there, and I made a call on their customer care, and then said, "Sorry, sir, all flight is suspended." And I know that's the tickets which I had purchased for 3,000 or 4,000 rupees for Jet Airlines earlier. I had to pay 15,000 rupees for the next day, because the same day ticket was coming 35,000 rupees. Of course, there was inconvenience to the people. Yes, that's always there. Operating lost, and all the cousins. इसलिए बंद हो गई क्यों? SBI ने उनको कहा था कि 400 करोड़ रुपया दूंगा ऑपरेटिंग के लिए, नहीं दिया, क्योंकि उनकी चाल थी कि जेट एयरलाइंस के बोर्ड से किसी भी तरह से हमें नरेश गोयल को निकालना है. उन्होंने निकाल दिया. निकालने के बाद पैसे देने से मना कर दिया. यस, सोशल ग्राउंड पे देखा जाए तो 22,000 लोगों की नौकरी चली गई. स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों ने दिल्ली के जनपद पे, दिल्ली के जंतर मंतर पे धारणा दिया. आशाओं से आशाएं जिंदा रखती हैं. देर इज ऑलवेज अ होप्स फॉर द सक्सेस, देर इज ऑलवेज अ होप्स फॉर द लाइफ, देर इज ऑलवेज द होप्स फॉर ऑल दिस थिंग्स. दैट्स हाउ द थिंग्स गोज ऑन. कई लोगों ने कंप्लेन भी किए. पहले बोल चुका हूँ कि कॉलेज के फी नहीं जा रहे, बच्चों के EMI नहीं जा रहे हैं. प्रॉब्लम्स हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं. दिस यू हैव टू बी मेंटल रेडी फॉर दैट. टफनेस इज देयर, दैट द टाइम हैज कम फॉर दैट. आज का मॉडर्न टाइम ऐसा है. नाउ एक सबसे बड़ा बात है, विल जेट एयरलाइन सर्वाइव? यस, जेट एयरलाइन विल सर्वाइव. मुझे जेट एयरलाइन के सर्वाइवल का डाउट नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपेटिटर के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट. मुझे एक ही चीज का डर है, विल नरेश गोयल सर्वाइव? विल नरेश गोयल सर्वाइव? बिकॉज हमारी मीडिया एजेंसी, हमारे ऑल एजेंसी, हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे सारे लोग चोर 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 बोलना शुरू करेंगे. माय सिंपथी इज नॉट टू द जेट एयरलाइंस, बिकॉज जेट एयरलाइंस विल डेफिनेटली सर्वाइव. फ्रॉम द स्ट्रेटजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव एक्सपीरियंस of Kingfisher. They won't let allow Jet Airlines to be what? The next Kingfisher. After 23rd of May, the new government come into this. Always some solution comes. Investor ne already bidding kar diya hai. Investor Etihad Airlines, jiska 24% stake already hai, wo apne aap ko bachane ke liye zarur paisa lagayega. India mein aviation is a growing market. Jet लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एतिहाद एयरलाइंस. TPG कैपिटल पैसा लगाने के लिए तैयार बैठा है, बिल्डिंग कर चुका है. इंडिगो पार्टनर्स ऑफ कोर्स दे आर इन द सेम ट्रेड. दे विल हैव अ हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर बिड्स टू बाय द जेट एयरलाइंस, एंड प्रोबेबली जेट एयरलाइंस अगेन इज गोइंग टू फ्लाई. I wish you all the best for them, but my best wishes are there not only to the Jet Airlines, my best wishes is there also for Naresh Goyal ji. My special love for him, because a person jo ek anath ho gaye the, anath ke baad bhi itna bada business empire kiya, us vyakti ke seene mein लगे हुए दर्द को सलाम करता हूँ. उस व्यक्ति के विजन के बारे में, विजन को लेके मैं सलाम करता हूँ. उस व्यक्ति को आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिली हुई, उससे सलाम करता हूँ. भगवान उनको शक्ति दे कि फिर से वो उठे, और जब वो कुछ नहीं थे, बहुत कुछ किया, तो आज इस हालात में भी बहुत कुछ है. और भी आपको कहना है, करना है जनाब, हिंदुस्तान में लोग स्टार्टअप की बात करते हैं, जो ऑलरेडी स्टार्ट करके ऊपर है, उनको गिराने का काम ना करो लोगों, वरना हिंदुस्तान में बिजनेसमैन बनने के पहले 10 बार लोग सोचेंगे. और जब बिजनेसमैन ही नहीं होगा तो इतने बड़े बड़े डिग्रियों का क्या करोगे भाइयों? थोड़ा सा समझ लो. प्लीज़ रेस्पेक्ट बिजनेसमैन, दे डिज़र्व मोर रेस्पेक्ट. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. माय बेस्ट विशेस टू नरेश गोयल साहब. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.